अज्ञानवश मंदिर की दिशा जो है या फिर घर में पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए सभी को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है बल्कि अशुभ कार्य उनके जीवन में होने लगते हैं। ऐसे में मंदिर कहाँ होना चाहिए? भगवान को मानने वाले इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, पूजा उपासना इबादत के लिए घर में कोई ना कोई स्थान जरूर बनाता है। हिंदू धर्म के लोग के घरों में मंदिर की स्थापना जो है वो जरूर करते हैं, क्योंकि घर में देवी देवता की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और इष्ट देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन अज्ञानवश मंदिर की दिशा जो है या फिर घर में पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए सभी को पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है बल्कि अशुभ कार्य उनके जीवन में होने लगते हैं। हमारे घरों में मंदिर का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में मंदिर कहां होना चाहिए जो है ये बहुत निर्भर करता है। ऐसे कम ही घर होंगे जहां मंदिर ना हो। घर में मंदिर होने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अपने निवास का निर्माण करवाते वक्त और या उसका इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप मंदिर कहां स्थापित करने वाले हैं, मंदिर कहां बनाने वाले हैं। तो वास्तु के अनुसार बहुत सारी खास बातें जो है आपको बताई गई हैं कि जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वास्तु के अनुसार मंदिर कहाँ स्थित होना चाहिए आज हम आपको इसी विषय में बताने वाले हैं, बहुत खास जानकारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी घर के मंदिर से जुड़ी हुई। सवाल बहुत आता है कि घर में मंदिर कहाँ बनवाएं, लोग इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं तो घर में मंदिर की मुख्य दिशा किस दिशा में उसका मुख जो है होना चाहिए, पूजा स्थान का सही जगह क्या है, ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बताएं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप जो पूजा करते हैं उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि बाकी आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं कि घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। हिंदुओं के घर में के अंदर मंदिर हमेशा ईशान कोण में शुभ माना गया है। फिर चाहे भवन का द्वार किसी भी दिशा में क्यों ना हो, मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही बनवाएं। इस दिशा में मंदिर होने से जो है आपके घर में ज्ञान बढ़ता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहती है। यदि किसी कारणवश अगर आप ईशान कोण में मंदिर बनाना आपके लिए संभव नहीं है तो फिर क्या करें, तो घर में मंदिर आप पूर्व या फिर उत्तर दिशा में भी बनवा सकते हैं। मंदिर के लिए उत्तर पूर्व दिशा भी जो है उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, तो ये तीनों जगह पे आप मंदिर बनवा सकते हैं। घर में मंदिर बनाते समय इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति का चेहरा जो है उसका मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र को के अनुसार जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है पूजा उत्तर दिशा और धन प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा बहुत सही होती है। वास्तु के अनुसार मंदिर की दीवारें जो है हल्के पीले रंग की जरूर होनी चाहिए, ये बहुत शुभ रहता है। वहीं हिंदू संस्कृति में वैसे भी पीले रंग को बहुत ही पावन रंग माना गया है। कोई भी शुभ और धार्मिक काम हम करने जाते हैं तो उस रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे आप कि लोग पूजा पाठ में ज़्यादा पीला ही इस्तेमाल करते हैं। पूजा करते समय मुख जो है पूर्व की तरह होना चाहिए, ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा जो है आप कहाँ मंदिर बनवाना चाहिए ये तो आपने जान लिया, अब मंदिर बनवाते समय किन किन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन सी गलतियाँ आप कर देते हैं, ये जो आपको नहीं करना चाहिए वो आपको बताते हैं, यानी जिन बातों को आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे आप घर में मंदिर ना बनवाएं और ना ही तहखाने में स्टोर रूम में पूजा घर बनाएं। पूजा घर हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर खुला और बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा घर में बनाए मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भी नेगेटिव एनर्जी जो है उसका आपको उसको सहना पड़ता है, ये नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक होता है। मंदिर का निर्माण किसी प्रकार की जो है धातु से नहीं करवाना चाहिए, आप हमेशा जो है उसे लकड़ी पत्थर या हो सके तो संगमरमर से ही करवाएं, यानी मार्बल से करवाएं। बेडरूम के अंदर पूजा घर कभी ना बनवाएं। ये अगर आप यदि आपके पास जगह की कमी है तो उस अवस्था में मंदिर के में जो है पर्दा जरूर लगाएं। अगर बेडरूम में बनाए तो मंदिर में पर्दा लगा कर रखें, रात और दोपहर के समय मंदिर का पर्दा लगा कर रखें, बंद करके रखें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के समीप घर का मंदिर जो है वो अशुभ फल देता है। जी हाँ, इसीलिए मैं जो है आपको यही सलाह दूंगी कि मुख्य द्वार के नजदीक जो है आपके मुख्य द्वार के पास
पास जो है मंदिर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की फोटो या मूर्तियां एक दूसरे के सामने नहीं रखी रहनी चाहिए। उनकी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि एक देवता की दृष्टि दूसरे पर बिल्कुल भी ना पड़े। पूजा घर में एक ही भगवान की ढेर सारी लोग भी मूर्तियां रख देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं के हाथ में दो से ज्यादा अस्त्र हो ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे भी अशुभ माना गया है। इसके अलावा जो और खास बात है वो ये है कि पूजा घर में मरे हुए व्यक्ति या घर के पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर हमेशा साफ रखना चाहिए और टूटी हुई मूर्ति या फटी फोटोज नहीं लगानी चाहिए। यदि ऐसा हो तो उन्हें तुरंत हटा दें या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा दूसरी जो है आप इसके उसकी जगह पे न्यू मूर्ति या तस्वीर लगा सकते हैं। हो सके तो घर के कुल देवता का चित्र जो है पूजा घर के उत्तर वाली दीवार पर जरूर लगाइएगा। ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मंदिर के आसपास बाथरूम या जो है वॉशरूम ये सब नहीं होना चाहिए। इससे भी बीमारियां आती हैं, इससे जो है घर में समृद्धि नहीं आती है, खुशियां नहीं आती हैं। मंदिर के आसपास कभी कूड़ेदान या झाड़ू पोछा भी मंदिर के पास नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो हमने आपको बहुत ही खास चीज़ें बताई हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं कि मंदिर बनाते समय कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल मन में रह गया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। हम आप अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे और वीडियो को शेयर किया करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए इस्टोटॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।